हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत एक बार फिर से टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम्स बैक टू बैक आ रहे हैं और वो आपके सामने दस्तक दे रहे हैं, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें भी पूरी तरीके से तैयार रहना है, उसका सामना करना है और हर एक तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत बना के रखना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों को पता है प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम्स में। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, उसी में से क्वेश्चंस आपके फिर से किसी न किसी फॉर्म में इधर उधर करके पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही बड़ा रहेगा, 20-30% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड रहते हैं, डायरेक्ट लिंक रहते हैं। तो जो जैसा कि आप देख रहे होंगे, 10 अक्टूबर का आपका पेपर आ रहा है यूपीएससी का, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बैक टू बैक आपके एग्जाम्स आपके सामने हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जैसे कि यूपीएससी का पेपर 10 अक्टूबर का है, तो ये आईएएस के पिछले 25-26 साल 1995 से लेके 2020 तक के प्रश्न आए हुए जो हैं, किसमें एंशियंट हिस्ट्री के, ठीक है ना। अभी एंशियंट हिस्ट्री का मैं लेके आया हूँ इस सेशन में, तो एंशियंट हिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले 25 सालों में पूछे गए। इनसे काफ़ी कुछ मदद मिलने वाली है आपको। तो ये पूरा अगर पैकेज आप कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो काफ़ी हद तक आपको फायदा मिलने वाला है। तो देखते हैं आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पिछले 25 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशियंट हिस्ट्री में, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं धड़ाधड़, और फाइनली जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो 95 में क्वेश्चन पूछा गया था, द वर्ड हिंदू, ठीक है ना, द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वॉज फर्स्ट यूज बाई, किसके द्वारा यूज किया गया जो आपका हिंदू वर्ड आया, ठीक है ना। तो किसके द्वारा यूज किया गया, ध्यान में रखिएगा, अरबों के द्वारा यूज किया गया। जब वो लोग आए यहाँ पे, तो वो यस को किस तरीके से प्रनाउंस किया करते थे, यस से। तो पहले सिंधु हुआ करता था, तो सिंधु को ये लोग हिंदू हिंदू बोला करते थे, इसलिए क्या हो गया आपका, अरब के द्वारा जब आए थे यहाँ पे, तो उनके द्वारा हिंदू सिंधु प्रदेश जो हुआ करता ना, सिंधु के आसपास के एरिया, मतलब ये पहले आए फिर उसके बाद आगे बढ़े, तो पूरे इसको क्या बोलने लगे थे, हिंदू प्रदेश या हिंदू आपका। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले किसको क्रेडिट जाता है, ये आपके अरब्स को, ठीक। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी नामक टर्म आप सुने होंगे, हु कंपोज सम हाइम्स ऑफ द वेदा, जो वेद के कुछ हाइम्स श्लोक वगैरह हुआ करते थे, तो ब्रह्मवादिनी कौन हुआ करती थी इनमें से। तो याद रखिएगा, लोप मुद्रा नाम हुआ करता था, लोप मुद्रा वॉज अ ब्रह्मवादिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें मैच द फॉलोइंग आपको करना है, ठीक है ना, कि कब कौन सा एरा स्टार्ट हुआ। तो ध्यान में रखिएगा, तो जैसे आपको पता है कि विक्रम एरा कब स्टार्ट हुआ था, 58 में स्टार्ट हुआ। फिर शक एरा आपका कब हुआ, ये आपका 78 में हुआ, जब विक्रमादित्य ने किया। आपका गुप्ता एरा, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, ये कब किया आपका, 320 में। तो इस तरीके से जब आप मिलाएंगे, तो आपका फाइनल आंसर किस पे चला जाएगा, डी पे चला जाएगा। ए का चौथा हो गया, बी का तीसरा हो गया, सी का दूसरा हो गया, तो ये यहाँ पे आपको फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन संस्कृत प्लेस रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वीमन एंड शूद्र कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे संस्कृत प्लेस में गुप्ता पीरियड के समय। तो आप ध्यान में रखिएगा, सही जवाब है आपका प्राकृत भाषा, ठीक है ना, प्राकृत भाषा यूज किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शंस, कौन से नाम जो इंस्क्रिप्शन वगैरह हुआ करता था अशोका का, विलेख वगैरह जो हुआ करते थे, उसमें कौन सा नाम निम्नलिखित में से मिलते हैं। तो चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति, प्रियदर्शी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रियदर्शी, ठीक है ना। सब आपके 95 में क्वेश्चन थे, वो पूछे गए थे। यवनाप्रिय, यवनाप्रिय क्या हुआ करता था, जो कि मेंशन था एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में, ठीक है ना। व्हाट वाज दैट, आपसे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, फाइन वैरायटी ऑफ इंडियन मुस्लिम था, इवरी था, या डैम्स सेंट टू द ग्रीक कोर्ट फॉर डांस परफॉर्मेंस, या पीपल। तो क्या था आपका, पीपल था, जिनको ये आपका पीपल्स
उनको काफी प्रिय था, और पीपर को यवना यवना बोला करते थे, ठीक ना, यवना प्रिय, इसलिए उसको यवना प्रिय कहा गया। तो दैट द राइट आंसर इज पी। ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनवर्थ, ठीक है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनवर्थ वॉज एडवोकेटेड बाई, इसके द्वारा अनवर्थ किया गया जैनिज्म होता है, ठीक है ना। अनवर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो जैनिज्मों के द्वारा क्या किया गया है, एडवोकेट किया गया है, प्रोपाउंड किया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम, मीमांसा सिस्टम जो फिलॉसफी है ये क्या है, लिबरेशन इज पॉसिबल बाई मीन्स, यानी जो लिबरेशन जो मिलती है हमें, आपका निर्वाण जो मिलता है तो किसके द्वारा मिलता है, एक तरीके से मीमांसा सिस्टम किसको बोलती है, कर्मा के द्वारा, ठीक है ना, इसको कर्मा को क्या करती है, प्रोपाउंड करती है। मीमांसा सिस्टम की जो फिलॉसफी है दिस अ हिंदुइज्म फिलॉसफी की, जो कि कहती है कर्मा के द्वारा ही पाया जा सकता है लिबरेशन। ब्रोंज आइकन ऑफ नटराजा, आप देखें होंगे नटराज की जो मूर्ति है ब्रोंज आइकन, कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इन वेरेबली शो द डाइटी विथ, कितने हैंड्स थे उसमें, 8 हैंड, 6 हैंड, 4 हैंड्स या 2 हैंड। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा 4 हैंड्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। द रिवर मोस्ट मेंशनड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, जो अर्ली वैदिक लिटरेचर है उसमें सबसे ज्यादा किन नदियों की बात की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा की गई है तो वो नदी है सिंधु नदी, ठीक है ना, और बाकी गंगा नदी जो है इसको मोस्ट सेक्रेड नदी बोली गई, सभी पवित्र नदी मानी गई है। बाकी सरस्वती का भी अगर आपके दिमाग में आए तो सरस्वती को एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में वहाँ पे मेंशन किया गया है, गंगा को सबसे पवित्र, और सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी का नाम आया है तो वो है सिंधु, ठीक है ना, कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर, निम्नलिखित में से कौन सा जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है। तो ये सारे जो हैं जैन लिटरेचर के पार्ट्स हैं, जिसमें जिसमें देखोगे आप सूत्रा वगैरह, सूत्र पिटका, धम्म पिटिका, ये सब सारी चीज़ें आएंगी, तो ये सब आपकी रहेंगी इससे जैनिज्म लिटरेचर से, तो ये आपकी थेरी गाथा जो है ये आपका नहीं है जैन लिटरेचर से, ये क्या है, बुद्धिज्म लिटरेचर से बिलोंग करता है, ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े। Which are the following were common to the both Buddhism and Jainism? निम्नलिखित में से कौन सी चीजें दोनों में कॉमन थी, बुद्धिज्म और जैनिज्म। यहाँ पे सारी चीजें दी गई है, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑफ फिनांस एंड एंजॉयमेंट, इंडिफरेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द वेदा, डेनाइल ऑफ इफिकेसी ऑफ रिचुअल्स एंड नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ। तो इन सारे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कॉमन क्या था दोनों में, तो यहाँ पे देखेंगे आपका इंडिफरेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द वेदा, ये भी कॉमन था, डिनाइल ऑफ द एफिकेसी ऑफ द रिचुअल्स, ये भी ये लोग पूरी तरीके से डिनाइज करते थे, पूजा पाठ ऐसे सारी चीज़ें नहीं करना है, और किसी भी जानवर को, किसी भी एनिमल के लाइफ को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये तीन चीज़ें क्या थी, तीनों में दोनों में कॉमन थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, 3 एंड 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ 3, इनमें से तीनों में से कौन एक कैटेगरी की बिलोंग नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है, मतलब तीन सेम है, एक ऑड है, तो देखते होंगे कुल किस कुल से हो भैया, किस वंश से हो, किस गोत्र से हो, तो ये तीनों कहीं कहीं आपका क्या बन जा रहा है, एक बिरादर के बन जा रहे हैं। और कोश मतलब होता है ट्रीजरी, ठीक है ना, ट्रीजरी मतलब होता नहीं आपका कोश, राजकीय कोश, कोश मतलब खजाना, तो कोश, तो एक तरीके से क्या हो गया, तीनों से अलग हो गया। तो यही आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा अलग है, डज नॉट बिलोंग। Who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? ठीक है ना, तो कौन थे वो, सुश्रुत थे, जो काफी वेल नोन इंसान थे, जो मेडिक बहुत बड़े सर्जन हुआ करते थे गुप्ता पीरियड में, तो वो थे आपके सुश्रुत, ठीक है। चलिए, Which one of the following scripture was invariably used green gist? ठीक है ना, जो यूज हुआ था एज अ मीडियम, तो किसमें हुआ था, ध्यान में रखिएगा, भरूत स्क्रिप्चर में, ठीक है ना, जो ग्रीन चीज से आके सारी चीजें बनाई गई थी, ठीक, तो ये ध्यान में रखें कि भरूत स्क्रिप्चर में क्या हुआ था यूज, ग्रीन चीज, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट, ठीक है ना,
क्या इनमें से करेक्ट? देयर आर हाईली पॉलिश्ड या दीज आर मोनोलिथिक, द शेफ्ट ऑफ पिलर इज टैपरिंग इन सेव या दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज द राइट इनकरेक्ट क्या है इसमें? दीज आर द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। ठीक, आगे देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना, इनमें से कौन सी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी? तो कौन सी भाषा थी वो? खरोष्टी भाषा थी। राइट टू लेफ्ट, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस फॉर्म में लिखी जाती थी। ठीक, हम लोग तो ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो पहले ऐसे लिखी जाती, राइट टू लेफ्ट। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे खरोष्ठी भाषा। मिलिंदो पन्नू के बारे में आपने सुने होंगे, द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मियंडर और उस बुद्धिस्ट मॉन्ग के बीच की क्या थी? ये बुद्धिस्ट मॉन्ग थे और ये मियंडर थे, आपके रूलर थे, ग्रीक रूलर, तो वो इनके बीच एक क्या हुआ था? वार्तालाप हुआ था। इन्होंने, मियंडर ने क्वेश्चन पूछा था और नागा अर्जुन ने क्या किया था? उसका जवाब दिया था। तो इन्हीं दोनों की डायलॉग बिटवीन दीज टू पर्सन, तो उसी को क्या कहा जाता है? मिलिंदो पन्नो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वो कौन थे आपके? नागार्जुन। ठीक, अगला देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका, तो ठीक राइट आंसर है आपका मस्की, ठीक है ना, मस्की इज द राइट आंसर। अगला, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त यहाँ पे आपके मिस आपके किस किस क्षेत्र से लोग बिलोंग करते थे और ये आपका नाम है। तो विशाख दत्त किससे बिलोंग करते थे? तो विशाख दत्त आपके बिलोंग करते थे ड्रामा से। फिर ब्राह्मीर किससे बिलोंग करते थे? ये आप देखिए एस्ट्रोनॉमी से, काफ़ी बड़े जानकार थे। चरक आपको पता है कि चरक किसके थे? मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड। फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त, फाइनली मैथ से रिलेटेड। तो आपको पता चल गया होगा राइट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू वाइफ डिसर्टेड बाय हर हस्बैंड, ठीक है ना, तो किसमें, किस टेक्स्ट में सब बातें दी गई हैं? अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसमें ये सब बातें दी गई। ठीक है, चलिए मैच द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको लिस्ट वन में दिया गया है किस किस कौन सी डायनेस्टीज हैं, फिर इनकी कैपिटल वगैरह दिया गया है, तो इसको आपको मैच करना है। तो आपको पता है कि गुप्ता डायनेस्टी जो हुआ करती थी वो क्या थी इसकी? देवगढ़ हुआ करता था। फिर आपका चंडेल जो था वो खजुराहो हुआ करता था। चालुक्य की आपकी बादामी हुआ करता था। तो इसी में आप पकड़ लेंगे और ए को बिल्कुल सही मान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। इन महायान बुद्धिज्म, ठीक है ना, महायान बुद्धिज्म द बोधिस्तवा अवलोकित स्वरा वाज नोन एज, क्या होगा? पदम पानी। ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज पदम पानी। महायान बुद्धिज्म जो बोधिस्तवा हुआ करता था, ये इट इज ऑल्सो नोन एज पदम पानी। ठीक, यहाँ पे मुझे लगता है कि नागार्जुन मैंने किया है, जबकि नागार्जुन नागसेन थे, ठीक है ना, जो आपके हुए थे मियंडर और जो उनका गुरु का नाम था बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, वो नागसेन नाम था, ना कि नागार्जुन नाम था। तो यहाँ पे सही आप कर लीजिएगा, राइट आंसर इज नागसेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द सिल्वर क्वाइन इशूड बाई द गुप्ता वर कॉल्ड, क्या कहा जाता था सिल्वर क्वाइन, ठीक है ना, तो ये आपका दिनार को गोल्ड कॉइन कहते थे, ठीक है ना, और बाकी रूपक को कहा जाता था सिल्वर कॉइन, ठीक है ना, रूपक को क्या कहा जाता था? सिल्वर कॉइन कहा जाता था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं, फिर से आपके सामने एक ऑथर और आपकी एक उनके द्वारा लिखी गई टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, तो वराह मिहिर के द्वारा क्या लिखा गया था? ध्यान में रखिएगा आपका बृहत संहिता, ठीक है ना, बृहत संहिता। फिर उसके बाद विशाख दत्त के द्वारा क्या लिखा गया था? विशाख दत्त द्वारा देवी चंद्र गुप्तम,
ठीक है ना। इनकी एक और बुक तो थी मुद्रा राक्षस वगैरह। फिर शूद्रक, शूद्रक कौन से बुक लिखे थे, मृच्छकटिकम लिखे थे, ठीक है। तो इसको इसी तरह बिल्हाड़ का क्या था आपका, विक्रम चंद्रदेव चरित। तो इस तरीके से जब आप मिलाएंगे तो आपको फाइनली बी वाला आंसर मिलेगा। किसी किसी फॉर्म में फिर आपसे कभी कभी रिपीट कर सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशियंट इंडिया। कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट मतलब ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था, जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हुआ करते थे एंशियंट इंडिया में, तो वो क्या होता था, मणिग्राम उसको बोलते थे, ठीक है ना, मणिग्राम बोला करते थे। मैनी ऑफ ग्रीक्स कुषाण एंड शका इम्ब्रेस बुद्धिज्म रेदर देन हिंदुइज्म, क्यों, बिकॉज कास्ट रिडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम। यही कारण था कि जो ग्रीक्स कुषाण और शका हुआ करते थे उन्होंने उतना हिंदुइज्म को क्या नहीं किया, ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, ज्यादा उसको पेट्रोनिज नहीं दिया, क्यों, क्योंकि कास्ट बेस पूरा एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी जो भरी हुई थी समाज में, तो कहीं कहीं ब्राह्मणिज्म हिंदुइज्म लेके आया था, तो इसीलिए, और बाकी जो आपके थे इन्होंने बुद्धिज्म वगैरह को ज्यादा वो दिया, क्यों, क्योंकि वहां पे किसी तरीके के जात पात का भेदभाव नहीं, किसी तरीके का तंत्र मंत्र वो फालतू नौटंकी नहीं, तो ये सब चीजें लोगों को अट्रैक्ट की, वो चीजें आपके इसमें नहीं थी, दैट्स वाई ये इतना अट्रैक्ट नहीं किया। तो इसका कारण आप बताएंगे, कास्टन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट, ठीक। तो ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका जो आया हुआ। द अशोका, अशोक का जो मेजर रॉक एडिक्ट था, व्हिच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम, संगम किंगडम के बारे में बोला है, तो ये किस रॉक एडिक्ट में दिया है, ये कभी पूछ लें आपसे तो जानिएगा, सेकंड एंड 13th एडिक्ट में, जो टोटल आपके 14 एडिक्ट वगैरह थे, बड़े बड़े आपके मेजर 14 एडिक्ट थे, उनकी भी आपको एक लिस्टिंग तैयार कर लेनी चाहिए, किसमें क्या क्या दिया गया, पूछ लेता है, किसमें एनिमल सेक्रीफाइस के लिए बोला था, किसमें ब्रदरहुड की भावना के लिए बोला था, तो सारा पूरा आप याद करना पड़ता है, किसमें किस तरीके से आपसे पूछ, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, तैयार कर लीजिए, देख लीजिए, कभी कभी कोई क्लास चली तो मैं उसमें लिस्टिंग करा दूंगा। तो यहाँ पे फाइनली संगम के बारे में बोला गया, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड एंड 13th एडिक्ट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच, देखिए अभी पीछे भी आपसे पूछा गया था ना मैच द फॉलोइंग में, और यहाँ पे आपसे करेक्टली मैच में करवा लिया, तो मृच्छकटिकम भैया किसका है, शूद्रक का, बुद्ध चरित वाशु बंधु, मुद्रा राक्षक विशाखदत्त, हरिश्चंद्र बाणवट, तो इसमें सही क्या क्या आपका है कि एक तो ये आपका सही है मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा, कि दूसरा आपका गलत है बुद्ध चरित्र आपका वाशुबंधु ने नहीं लिखा था, मुद्रा राक्षस आपका विशाखदत्त बिल्कुल सही, हरिश्चंद्र बाणभट्ट बिल्कुल सही, ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 3 and 4, ओके। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए सोचिए वो आपके सामने आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हिच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है, इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया, जो आपके इंडिया में अपीयर्ड हुए इनका ऑर्डर आपको बताना है। आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, सारी चीजें दिया गया है, तो जब इनका भारत में क्या हुआ, विकास हुआ है, जब एक तरीके से हुआ अस्तित्व में आया, तो उसका एक ऑर्डर बताना है, गोल्ड कॉइन आया पहले, पंचमार्क सिल्वर कॉइन आया, फिर आयरन फ्लो आया, या आपका फिर अर्बन कल्चर आया। तो सबसे पहले देखा जाए जो आया आपका अर्बन कल्चर देखने को मिला, ठीक है ना, हड़प्पा वगैरह दिख रहा है, फिर उसके बाद आपका आया आयरन की खोज हुई, फिर उसके बाद आया पंचमार्क सिल्वर कॉइन, फिर उसके बाद गोल्ड, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4th
4321, ये हमको अर्बन कल्चर देखने को मिला हड़प्पा में, फिर आपको लेटर वेदक पीरियड में आयरन की खोज हो गई, फिर उसके बाद इंडो ग्रीक्स वगैरह आए, पंचमार्क कॉइन वगैरह आया, फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन्स इंडो ग्रीक्स लेके आए, फिर कुषाण ने सबसे ज़्यादा इसका क्या किया, प्रचार प्रसार किया, सबसे ज़्यादा इश्यू किया, ठीक है ना। गोल्ड कॉइन का अगर पूछा जाए कि जिसने शुरुआत की हु इंट्रोड्यूस, तो आप बताओगे इंडो ग्रीक्स, और सबसे ज़्यादा किसके समय में आपका ये रहा फ्लो रहा तो इश्यू किया, तो वो थे आपके कुषाण के रूलर्स, ठीक है ना। तो कुछ बातें दी गई हैं भाई साहब यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द अशोका एडिक सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन, ठीक है ना। अशोका के समय अशोका एडिक में दिया गया है कि सोशल हार्मनी जो लोगों में थी वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलीजियस डिवोशन। तो उसका यहाँ पे रीजन दिया गया है, ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टीड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो बात बिल्कुल दोनों सही है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना, तो बात बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, 98 में पूछा गया क्वेश्चन, लूथल एक एंशियंट डॉकयार्ड हुआ करता था, सारनाथ पहला बुद्ध ने यहाँ पे भाषण दिया, राजगिरी में लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो क्या क्या सही लग रहा है, तो एक तो इसमें पहला एकदम सही है, दूसरा यहीं पे सबसे पहले भाषण भी आपका सारनाथ में दिए थे बुद्धा, और फिर राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका, दिस इज द रॉन्ग, एंड द फोर्थ क्या कह रहा है, नालंदा जो है बहुत बड़ी ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, तो नालंदा बहुत बड़ा लर्निंग सीट था, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। आगे बढ़ो, Which of the following ancient Indian records is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, कौन सी जगह पे, सोहगौरा कॉपर प्लेट नामक स्थान, ठीक है ना। तो यहीं पे सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखी जाती थी, अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ, जो अष्टांग मार्ग आपको बताया गया है, तो वो क्या है, ठीक है ना, इट इज द थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र, ठीक है ना, जो बुद्धिज्म का है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र, ठीक है ना, किसी थीम पे बेस्ड है। फिर फॉलोइंग पर्सन जो भारत आए उनको एक ऑर्डर में आपको लगाना है, तो सबसे पहले फाहियान, किनसिंग, मेघाश्री, चार लोग को आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना, तो सबसे पहले आपका कौन आया, मेघाश्रीज आया, फिर उसके बाद कौन आया, फाहियान आए, फिर उसके बाद कौन आए, हेनसांग आए, फिर उसके बाद किनसिंग आए, ठीक है ना। तो ये करेक्ट ऑर्डर हो गया और राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो गया बी, ठीक। आगे देखते हैं, Which one of the following was initially the most powerful city of India in the 6th century BC? छठवीं बीसी शताब्दी में कौन सबसे पावरफुल आपका स्टेट हुआ करता था, आपको पता है कि मगध कितना पावरफुल हुआ करता था, ठीक है। द टर्म आर्यन, तो आर्यन आपसे अगर पूछ लिया जाए, जो आर्यन वगैरह आए तो वो क्या थे, एथनिक ग्रुप थे, नोमेडिक थे, सुपीरियर रेस हुआ करते थे, स्पीच ग्रुप थे, तो एक तरीके से स्पीच ग्रुप जो सेंट्रल एशिया वगैरह में थे तो उसी ग्रुप से बिलोंग करते थे ना, स्पीच ग्रुप बोलने वाला जो कि सुपीरियर माने जाते थे काफ़ी अपने हिसाब से, तो वो एक क्या हुआ करता था, स्पीच ग्रुप था, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक ग्रुप था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है ना, इनमें से कौन सा ग्रुप वो था आपका पोर्ट था जो नॉर्थ इंडियन ट्रेड को पूरी तरीके से लीड करता था, तो ध्यान में रखिएगा चार ऑप्शन आपके सामने, और तमरा लिपित इज द राइट आंसर, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप, सबसे पहले मिलिट्री गवर्नरशिप इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो ये किए थे आपके ग्रीक्स, जो आपके छत्रपा छत्रपा और महाछत्रपा के रूप में आपसे क्या करते थे, रूलिंग करवाते, जो मेन आपका जैसे सका कुषाण के समय ये सब काफ़ी था, ठीक है ना, इंडो ग्रीक सका कुषाण, तो ये क्या करते थे कि गवर्नरशिप स्टार्ट करते थे, सबॉर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है ना, तो इन्हीं से पूरा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था,
तो यही लोग रूल किया करते थे। तो गवर्नरशिप सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? ग्रीक्स ने स्टार्ट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन? तो कौन सी डायनेस्टी थी? नंद डायनेस्टी थी। और ठीक है, नंद डायनेस्टी में घनानंद हुआ करता था, जो पूरी तरीके से अलेक्जेंडर जानता था। आगे अगर बढ़ गए हम तो बहु मार आएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नंद डायनेस्टी। फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी खत्म हुई, फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई। होयसल मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड इन, कहां पे होयसल मॉन्यूमेंट्स पाया जाता है, पाया गया है? तो ये है आपका हेलबिड एंड बेलूर रीजन, ठीक है ना, नॉट हम्पी वगैरह मसूर, ये सब ऑप्शन आएंगे कभी फिर इधर उधर करके पूछ ले। तो हेलबिड एंड बेलूर रीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से भैया कौन सा सही है? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रेवर, नहीं। फिर मुगल्स अजंता पेंटिंग, कहाँ था यार, बहुत पहले हुआ। मराठा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, बिल्कुल गलत। तो कुषाण, कुषाण का जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स था, यही सही जवाब था, ठीक है ना। आप देखे होंगे जब आप सेंट्रल एशियन जो पोस्ट मौर्यन के पीरियड के बाद गांधार हुआ, फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हुआ, फिर अमरावती हुआ, तो ये सब नए स्कूल ऑफ आर्ट्स हुआ करते थे। स्कल्पचर, आर्ट एंड स्कल्पचर को काफ़ी हद तक अपने चरण सीमा पे लगे, तो कुषाण के समय में ही यह हुआ था, जिसमें इंडो ग्रीक वगैरह सारी चीज़ें मिलती थी देखने। फिर यहाँ पे फिर असर्टेन आ गया आपका, हर्षवर्धन कोवेंट द प्रयाग असेंबली, अच्छा भैया, ही वॉन्टेड द पॉपुलाइज ओनली द महायान फ्रॉम फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो क्या है, सही बात है, दोनों तो सही, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोल किंग कंकर्ड सिलोन, सिलोन पे हमला करने वाला, कंकर्ड विजय करने वाला कौन था? राजेंद्र था, ध्यान में रखिएगा। आदित्य राजेंद्र फर्स्ट विजयालय, तो कई सारे नाम आए कभी, तो राजेंद्र वॉज वन ऑफ द चोला किंग हु कंकर्ड सिलोन, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क, ने जो कराया था कुंडलग्राम में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल, तो उसको लीड किसने किया था? वासुमित्रा ने किया था, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता कभी भी। विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड सील एंड टेरोकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर, निम्नलिखित में से कौन से जानवर नहीं था? गाय वगैरह नहीं थी, ठीक है, बाकी डायनासोर टाइगर एलिफेंट ये सब डिफिट किए जाते थे। फिर आपके सामने एंसेंट साइट्स हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, इनको सही बताना है। तो लोथल क्या, कहाँ का है लोथल, क्या आप ऐड करोगे? तो लोथल का डॉकयार्ड जो हमें मिला था लोथल में, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। फिर कालीबंगम में हमें क्या मिला, आपके जुटे हुए खेत वगैरह मिले थे। फिर धौलावीरा में हमें क्या मिला था, धौलावीरा में हमें एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट और बनावली में टेराकोटा रेप्लिकास ऑफ लॉक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भैया बी इज द करेक्ट आंसर। हर्षा सम्राट हर्षवर्धन थे, साउथवार्ड मार्च किए थे, वॉज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर, किसके द्वारा किया गया? पुलकेशियन सेकंड के द्वारा उनको रोक दिया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चोला डिफीटेड पांड्या एंड चेरा रूलर्स एंड एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स, क्या बात सही है। द चोला सेंट एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कॉन्कर्ड सम ऑफ द एरिया, तो भैया कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है? तो भाई साहब दोनों बातें सही है, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा दोनों चीजें सही है। मृच्छकटिका एन एंशियंट इंडियन बुक हुआ करती थी जो कि लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा, तो इसमें क्या चीजें थी, किसके बारे में दी गई थी? तो चार ऑप्शंस हैं कि लव अफेयर्स ऑफ अ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कोटसन, फिर वॉइस द विक्ट्री ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड ओवर द सका के बारे में है, या मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ समुद्रगुप्त, या अफेयर्स विद लव अफेयर्स बिटवीन गुप्ता किंग एंड प्रिंसेस ऑफ कामरूपा। तो इस तरीके से ऑप्शन आए, कैसे भी घुमाए तो आप बताएंगे ये जो मृच्छकटिका थी, ये जो शूद्रक के बारे में लिखी, एक शूद्रक ने लिखा था, इसमें लव अफेयर था एक रिच मर्चेंट्स और विद द डॉटर ऑफ कोटसन, ठीक है ना। आगे बढ़े,
फिर आपके सामने स्टेटमेंट तो क्या है, वर्धमान महावीर की मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका, क्या बात सही है। गौतम बुद्ध मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोशलन डायनेस्टी, क्या बात सही है। या पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकारा बिलोंग्स टू बनारस, तो सही है सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन और आपका तीसरा, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो प्रिंसेस थी कहाँ से, कोशल डायनेस्टी से, और पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकार थे वो बनारस के राजा हुआ करते थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज 2 and 3, ठीक। आगे बढ़े चलिए, फिर स्टेटमेंट चाइनीज पिलग्रिम फाहियान अटेंडेड द 4th ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाई कनिष्का, क्या उन्होंने अटेंड किया था। दूसरा चाइनीज पिलग्रिम हेनसोंग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्ट टू बुद्धिज्म, ठीक है ना। तो क्या बुद्धिज्म को भी एंटागोनिस्ट मतलब उसका अपोज करते थे, तो सही बात तो ना दूसरी है और ना ही पहली, जबकि इसने अटेंड भी नहीं किया था, और ये जो हेनसोंग तो इनसे मिला लेकिन बुद्धिज्म के अपोज कभी नहीं थे आपके हर्षवर्धन, तो डी इज द राइट आंसर। फिर यहां पे क्वेश्चन है जैनिज्म के बारे में, तो इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जैनिज्म, तो इसमें से आपकी बातें जो सही दिख रही हैं वो है जैनिज्म इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ द कलिंग किंग खारवेल इन द 1st century BC, ठीक है ना। कलिंग किंग के द्वारा इनको क्या मिला था, पैट्रोनेज वगैरह को दान दक्षिणा मिला था 1st century BC। बाकी सारी बातें गलत है। जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ अस्थलभाहु, जैनिज्म रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ द भद्रभाहु कॉल्ड स्वयंबर आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एंड पाटिल पुत्र, ठीक। तो बाकी इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म जैनिज्म वर्शिप इमेज अनलाइक द बुद्धिस्ट, सारी बातें ऑलमोस्ट गलत है। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, ठीक है ना। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदा कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, किसमें दी गई थी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, तो तुरंत आप बोलिएगा अथर्वेद में सब सारी बातें दी गई, ठीक है। Who among the following was not a contemporary, जिनमें से कौन समकालीन नहीं था, मतलब तीन लोग हैं एक साथ के हैं बाकी एक जो है आपका क्या है अलग है। तो बिंबसार उसी समय में थे, गौतम बुद्ध भी उसी समय में थे, महावीर भी कभी आ जाए तो जानिएगा उसी समय में थे, प्रसन्न जीत भी उसी समय थे, मिलिंद काफी बाद में आए थे, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर मिलिंद, जो पूछा जा रहा है कि उनसे बिलोंग नहीं करते थे। Who among the following laid the foundation of the Rashtrakoot Empire? Rashtrakoot Empire का किसने belong मतलब हुआ था foundation, किसने संस्थापना की थी, दंती दुर्ग ने। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, स्टेट वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं। Between which of the following was the ancient town of Takshila located? किसके किसके बीच अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडस और झेलम के बीच नदियों का, ध्यान में रखिएगा भैया किसके किसके बीच है, बड़ा कंफ्यूज होंगे आप। तो राइट आंसर ध्यान रखिए इंडस और झेलम के बीच लोकेटेड है आपका तक्षशिला जैसे। With reference to the invaders of ancient India, which one of the following is the correct chronological order? कौन पहले आया, सबसे पहले ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, दिस इज द राइट क्रॉनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना। शक के बाद भी आपके कौन आ गए थे, यहाँ पे पार्थियंस आ गए थे, ठीक है ना, पार्थियंस बाद फिर कुषाण आए। इक्ष्वाकु रूलर्स, ठीक है ना, इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ द सदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्ट टुवर्ड्स बुद्धिज्म, क्या ये लोग बुद्धिज्म को अपोज करते थे। इक्ष्वाकु रूलर्स या पाल रूलर्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, पाल रूलर्स जो थे ये क्या थे, काफी पैट्रॉन्स थे, मतलब उनको दान दक्षिणा सारी चीजें दिया करते थे, तो दूसरा एकदम सही हो जाएगा, बाकी ये गलत है। अभी अब इक्ष्वाकु रूलर्स जो थे अपोज नहीं करते थे बुद्धिज्म, तो ये आपका सिर्फ ऑनली इज द राइट आंसर। अलाहाबाद पिलर्स को आप जानते होंगे इंस्क्रिप्शन, तो ये किससे रिलेटेड, 50 बार हजारों बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति इसको बोलते हैं, तो वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड था, ठीक है।
अनेकांतवाद, अनेकांतवाद किसकी थ्योरी है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जैनिज्म की थ्योरी, ठीक है ना, ना कि बुद्धिज्म सिखिज्म वैष्णविज्म की, जैनिज्म की थ्योरी है, ठीक। देयर आर टू नोन एग्जाम्पल ऑफ केक पेंटिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशेंट इंडिया, वन ऑफ दीज पेंटिंग अजंता, तो दूसरा कौन सा भैया, तो ये आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो आप हटा दबाओगे, बाघ टेम्पल भी उसी समय की बहुत ही गुप्ता पीरियड की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है पेंटिंग, ठीक है ना, बाघ केव की पेंटिंग, ठीक। द जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाई, किसके द्वारा, इनके अकॉर्डिंग जैनिज्म के द्वारा, यूनिवर्सल सोल, ठीक है ना, यूनिवर्सल सोल है, उसी के द्वारा ही होल्ड है आपकी दुनिया की सारी चीजें जो क्रिएट की गई, ठीक है। जैन फिलोसफी होल्ड दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाई, किसके द्वारा, यूनिवर्सल सोल के द्वारा, ना कि यूनिवर्सल ट्रुथ लॉ एंड फेथ के द्वारा। ऋग्वेद, सॉरी, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC के तहत आप बताइए, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट थ्रू प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। फिर उसके बाद कह रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मेंटेनिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, बिल्कुल सही बात इसने भी यहाँ पर बोली, और उस समय की सिविलाइजेशन भी पूरी यूनिटेरियन, पूरी सेकुलर सिविलाइजेशन, कोई जात पात वर्ण सिस्टम वगैरह सब नहीं था, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा बोथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे कह रहा भैया, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जैनिज्म बुद्धिज्म में दोनों में कॉमन क्या था, तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, तो ये कॉमन बिल्कुल आपका था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या था, दोनों इंडिफरेंस इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वेद को पूरी तरीके से डिनाई करते थे, फिर क्या करते थे, रिचुअल्स को भी बिल्कुल नहीं मानते थे, जो फालतू पूजा पाठ ब्राह्मण वगैरह फैला के रखे थे, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा 2 and 3, ठीक। नगारा स्टाइल, नगारा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वेसरा स्टाइल, ये सब क्या था, तो दीज आर द 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल था, ठीक है ना, अक्सर देखते होंगे कई तरीके से आपसे एग्जाम पूछा जाता है, नगारा स्टाइल में कैसे मंदिरें हुआ करती थी, आपकी द्रविड़ स्टाइल, वेसरा, तो सबका अपना सिस्टम है, सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे तुरंत बता देंगे कि एक मंदिर को बनाने का टेम्पल स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक। लॉर्ड बुद्धा की जो इमेज है, समटाइम्स शोन विद द हैंड गेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्शा मुद्रा, भूमि स्पर्शा मतलब भूमि को स्पर्श करके इस मुद्रा में दिखाया गया, तो भैया वो क्या था, तो आप इसको बताओगे, तो बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मान, तो उन्होंने जब अपना वो कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि धरती को साक्षी मान के उन्होंने सारी चीजें किया था, तो वही आपसे UPSC उठा के एक दिन पूछ लिया 2012 में, ठीक है ना। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज क्या था, भक्ति था, इमेज वर्शिप एंड यज्ञ था, या वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ था, या वर्शिप ऑफ नेचर और भक्ति था, तो ये ध्यान में रखिएगा, वो किसकी पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, पूजा इमेज वगैरह पूजा पाठ था ही नहीं, भक्ति वगैरह उस तरह था ही नहीं, और भक्ति यहाँ पर यहाँ है तो ये कट गया, इमेज की बात थी नहीं मूर्ति पूजा की, तो बचाए ही आपका उस तरह भी नहीं बता पाएंगे, तो आप इससे दिमाग लगा कर सकते हैं कि लोग नेचर की पूजा करते थे, इंद्र वरुण ये सब सारी चीजें, बाकी यज्ञ वगैरह करते थे कुछ करने के लिए, ठीक। विद द रेफरेंस टू द गिल्ड, गिल्ड मतलब श्रेणी, ठीक है ना, ऑफ एंशियंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गिल्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो पहला देखते हैं क्या कह रहा है, एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ देम, नहीं है बिल्कुल बात गलत है, द वेज रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड ऑफ प्राइसेस वर फिक्स बाय द गिल्ड्स, पूरा ये लोग कंट्रोल करते थे मार्केट पे, तो ये बात तो बिल्कुल सही भाई साहब, द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स, ठीक है ना, पूरा शासन, पूरा जुडिशियल पावर मतलब सजा कुछ गड़बड़ कर दें उनको बोले हायर करके रखते थे सारी चीजें, तो एक जुडिशियल पावर भी यूज करते थे, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर, दैट्स मींस सी 2 and 3 द राइट आंसर, आगे बढ़ते हैं।
With reference to the history of the philosophical thoughts in the India, consider the following statement regarding सांख्य स्कूल. सांख्य की जो फिलॉसफी ऑफ स्कूल है उससे रिलेटेड कौन सी बात यहाँ सही है. तो सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रिबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल. क्या बात सही है? नहीं. ठीक है ना. सांख्य होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू रिवेलेशन एंड नॉट एन एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट. इस बात को ये मानते थे. ठीक है ना. सेल्फ नॉलेज के द्वारा ही लीड करके आप फाइनली जिसका बाहरी कोई इन्फ्लुएंस ना हो आप पा सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति. Which of the following describe the best concept of Nirvana in Buddhism? तो सबसे बड़ा concept भैया इसी को follow करते हैं, the extension of the flame of desire. ठीक है ना. This is the right answer. Which of the following characteristics the people of Indus Valley civilization? They possess great palaces and temples. क्या बात सही है? नहीं. ऐसा कुछ मंदिर वगैरह की उसमें बात ही नहीं थी तो कोई चर्चा ही नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा. फिर दे वर्शिप बोथ द मेल एंड फीमेल डाइटीज. हाँ, पूजा पाठ करते थे वो भी मेल एंड फीमेल डाइटीज. आप देखे होंगे मदर गॉडेस वगैरह पशुपति का ऐसा पूजा पाठ करते थे. दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरेट्स इन वॉर फेयर. ये भी बात ऐसी कोई भी कोई जिक्र नहीं है इस चीज का. तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ओनली टू. कुछ आप द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्लीकेबल इन जैन डॉक्ट्राइन. कौन सी चीजें जैन डॉक्ट्राइन पे अप्लीकेबल होती हैं? तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सीरियस वे ऑफ इनहेलिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पिनेंस. सही बात है. एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज ए सोल. हाँ, ये कहते थे भाई कण कण में आत्मा व्याप्त है, कण कण में जीव. इसलिए देखो अपना हटा के आपके मोर का पंख लिए रहेंगे, हार के भी बैठेंगे, सांस भी लेंगे, सोचते हैं कि अंदर में कई सारे कण के द्वारा जीव चले जाएंगे, इसलिए मास्क हमेशा लगाए रहेंगे. तो इतना ज़्यादा इनके अंदर थोड़ा हार्डनेस से कट्टरता है. कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड. तो बात को भी मानते हैं. तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तीनों, 1, 2 एंड 3. ठीक है. विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर. ठीक है ना. इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर से रिलेटेड बात कर दी गई है. इसमें आपको बताना है द केव्स एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया. ये बात सही है कि नहीं? अच्छा. द बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविका बाई एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य. जो बराबर का रॉक कट एक स्ट्रक्चर था इसके द्वारा बनाया गया था, मेड फॉर आजीविका. ठीक है ना, बाई चंद्रगुप्त मौर्य. अच्छा. द एलोरा एट एलोरा केव वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स. राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा तीसरा, यहाँ पे सही है उस हिसाब से. सी इज द राइट आंसर. ठीक, यहाँ पे आपके सामने अजंता केव्स, लेपाक्षी टेम्पल, साक्षी स्तूप. तो इसमें से बोला जा रहा है विच ऑफ द अबव प्लेसेस आर ऑल्सो नोन फॉर द म्यूरल पेंटिंग. म्यूरल पेंटिंग्स कहाँ कहाँ यूज हुआ करता था? तो सही ऑप्शन आप बताएंगे अजंता केव में और लेपाक्षी टेम्पल में, जबकि सांची स्तूप में कोई म्यूरल टेम्पल वगैरह म्यूरल पेंटिंग वगैरह यूज नहीं हुआ है. तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी. ठीक है. विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट थ्योरी या बुद्धिस्ट हिस्ट्री के हिसाब से ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में आपको पूछा जा रहा है. तो फेमस श्राइन है ये, आपके लोकेशन है तो ताबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये क्या स्पीति वैली में है, या लोहोत्सावा लखांग टेम्पल ये नाको में है जो कि जास्कर वैली में है, या अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख में. तो इसमें से सही लोकेशन आपको बताना है. सही लोकेशन जो है ताबो मोनेस्ट्री आपकी स्पीति वैली में लोकेटेड है और आपकी अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स आपका लद्दाख में. तो उस हिसाब से सही जवाब हो जाएगा पहला और तीसरा. द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सप्तमेव जयते. हजारों बार पूछा गया है, पूछता जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा स्टेट में यूपीएससी में. तो सत्यमेव जयते जो है वो जो हमारे इम्बलम में है, नेशनल इम्बलम में, तो कहाँ से लिया गया है? तो एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद से लिया गया. ठीक है ना, अक्सर पूछते हैं आपसे. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा. बहुत बार देखिए लगातार ये क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन था बेचारा 2014 में पूछा गया, फिर अगली साल यूपीएससी ने इसको रिपीट मार दिया. यानी एक साल इधर उधर भी नहीं किया, इधर उधर करके पूछा नहीं, पूरा एकदम कॉपी
पेस्ट कर दिया। तो ये भी ध्यान रखिए, कभी तुझे मत सोचिए कि इस बार आया तो अगली बार पूछेगा ही नहीं, और काफ़ी लोग इसको गलत करके भी आए थे, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें से पूछा था कि बुद्धा के लाइफ से निम्नलिखित में से कौन सा जगह एसोसिएट नहीं करता, अवंती, गांधार, कोसला है ना, मगध, तो सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट करता, आपसे पूछा कौन सा एसोसिएट करता चारों में से, तो सिर्फ और सिर्फ कौन करता, कोसल और मगध करते, ना कि अवंती और गांधार। यहाँ से कभी गए नहीं, कभी यहाँ से रिलेट नहीं हुआ इनकी लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ रही, ठीक है ना। बाकी अवंती वगैरह में इनको बुलाया गया था, गए नहीं थे, अपने उसको भेजे थे चेला चापर को, ठीक। तो राइट आंसर द क्वेश्चन इज 3 and 4। विद द रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट, कौन सबसे पहले आपके बने, लिंगराज मंदिर, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, आप महाबलीपुरम, इस तरह के चार ऑप्शन आपके सामने दिए, बराज, इमेज एट उदयगिरी। तो सबसे पहले इनमें से बना आपका रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ठीक है, तो इनके बारे में जानना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑप्शन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी, तो वो कौन सी थी, मलवा की निमित्र, कालिदास की जो महान रचनाओं में से एक हुआ करती थी, ठीक है ना। अगले बार देखते हैं। तो रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वतंत्रिका एंड सौमित्रिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, क्या बात सही है। फिर उसके बाद सर्वस्तीवादिन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द फेनोमेना वर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन द लेटेंट फॉर्म, ये बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ओनली 2, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पदमपनी इज वन ऑफ द फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग ऑफ अजंता, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कहाँ की है, अजंता की पेंटिंग। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस फॉर द सन टेम्पल्स, क्या फेमस है इसके लिए, अरसवाली, अमरकंटक या ओमकारेश्वर। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज अरसवाली, ठीक है ना, अरसवाली यानी ओनली 1। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई, विद द रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, द ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे यूज द कोट ऑफ मेल्स एंड हेलमेट इन वॉरफेयर वेयर एज पीपल ऑफ इंडस वैली, ठीक, सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ देम, यानी ऋग्वैदिक आर्यंस कोट और मेल कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट्स करते थे जबकि ये लोग नहीं, ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर जबकि इंडस वैली पीपल ओनली कॉपर एंड आयरन। तो फिर उसके बाद है, ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनी, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही। तो तीसरा तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये लोग अपना हॉर्स वगैरह घोड़े वगैरह रथ वगैरह चलाते थे जबकि यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, तीसरा सही है और पहला भी आपका सही है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर और कॉपर ये सब तो सारी चीज़ें थी लेकिन इंडस वैली वाले सिर्फ और सिर्फ कॉपर था जबकि आयरन नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चल आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द कतिया किंगडम, तो ये आपका मोटुपली इज द राइट आंसर। विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड, इसको बोला गया मैत्रेयी, ठीक है ना, राइट आंसर इज मैत्रेयी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स क्राफ्ट वर्सेस हेरिटेज, तो पुथुकुली सॉल्स तमिलनाडु से बिलोंग करती है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र, उपादा जामित्री सारीस कर्नाटका, तो सही जवाब हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पुथुकुली सॉल्स तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रेडिशन वर्सेस स्टेट, तो चपचर कुट फेस्टिवल मिजोरम, कुंजगडम परबा बलार मणिपुर या थंगता डांस सिक्किम, तो सिर्फ और सिर्फ आपका चपचर कुट फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब, और कोंगजोम परबा बलार जो आपका मणिपुर, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड हरप्पन साइट, तो चुहंदारो भी है, कोर्जी भी है, देसालपुर है, सोहगौरा जो है हड़प्पन साइट आपका नहीं,
ठीक है ना, तुरंत आप एलिमिनेट कर देंगे अगर आपको पता होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन इज रानियो अशोका, यानी किंग अशोका मिंसन अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, तो क्या है, कौन सा स्क्रिप्चर इंस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपका कगान हल्ली, कगाना हल्ली, ठीक है ना, दिस इज द राइट आंसर। तो स्टेटमेंट है भाई साहब आपके सामने, डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिशन, द पाथ ऑफ द बोधिसत्वा, या इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, तो इनमें से कौन सा फीचर्स ऑफ द महायान बुद्धिज्म का है, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज वर्शिप मानते थे, ये भगवान का रूप मानते थे, रिचुअल्स पूजा पाठ बिलोंग करते थे, ट्रेडिंग पाथ ऑफ द बोधिसत्वा था इनका, एंडिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, तो तीसरा या चौथा आपका 1, 2, 3 यानी बोध, तीनों आंसर आपके सही। बिल्डिंग कल्याण मंडपा वॉज ए नोटेबल फीचर ऑफ किस साम्राज्य से था, विजयनगर साम्राज्य से, अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कल्याण मंडपा इज ए नोटेबल फीचर इन विजयनगर एम्पायर। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परामिताज, ठीक है ना, तो सही जवाब हो जाएगा आपका परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ, ठीक है ना, ये आपका परमिता से संबंधित सही टर्म। विच विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशियंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, पाणिन, पाणिन के बारे में हम सब जानते हैं, इज एसोसिएटेड विद द पुण्यमित्र शुंग डायनेस्टी, अमर सिंह इज एसोसिएटेड विद द हर्षवर्धन, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड, तो सही जवाब हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही हुआ करते थे, ठीक है ना, चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, तो ये है आपका अस्था ब्रह्मवादिन्स बिलोंग टू द महायान, ये भी ध्यान आप क्या सही है, बिल्कुल गलत है, इससे बिलोंग नहीं करता। फिर लोकतंत्रवादिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बिल्कुल सही जवाब है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बुद्धा बाई महासंगिका फॉस्टर्ड महायान बुद्धिज्म, बिल्कुल सही जवाब, यानी ये आपका मिल रहा है बी में मिल जा रहा है दूसरा और तीसरा। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपके सामने है, द राइज ऑफ प्रतिहार अंडर द किंग भोज, क्या सही बात है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्लवा पावर अंडर द महेंद्र वर्मन, क्या ये सही बात है, ये सब सही बात है, तो है सारी बातें सही हैं, लेकिन आपको इसको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, तो सबसे पहले जो बात हुई है इस्टेब्लिश हुआ है आपका पल्लवा पावर अंडर द महेंद्र वर्मन, फिर उसके बाद पायल डायनेस्टी फाउंडेड बाई द गोपाल, उसके बाद फिर उसके बाद आपका राइज ऑफ द प्रतिहार अंडर किंग भोजा, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्लवा पावर अंडर द महेंद्र वर्मन, तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। Which of the following phrase defines the nature of the हुंडी, हुंडी आप सुने होंगे यूपीएससी उठा के 2020 में देखो पूछ लिया था, तो हुंडी क्या था, एक तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज को हुंडी बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। With reference to the history of India, the term कुलाया वापा एंड द्रोण वापा क्या था, ये that was the measurement of the land, ठीक है ना। With reference to the period of the Gupta dynasty in ancient India, the towns घंटसाल कदुरा एंड चौल, ये सब क्या हुआ करता था, पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड्स, ठीक है ना, जो फॉरेन ट्रेड को पोर्ट वो हैंडल करते थे सामान वगैरह आना जाना, तो ये सब वही पोर्ट्स वगैरह हुआ करते थे। फिर क्वेश्चन अगला, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया, तो आपको देखिए परिवर्जका, तो ये रेनेसिएंट एंड वांडरर्स, या शर्मना प्रीस्ट विद द हाई स्टेटस, या उपासका ले फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म, तो सही जवाब हो जाएगा ये शर्मना जो है प्रीस्ट विद द हाई स्टेटस, ये गलत है, बाकी आपका पहला और तीसरा जो उपासक हुआ करते थे दे फॉलोअर्स द बुद्धिज्म, ठीक है ना, उन्हीं को उपासक कहा जाता था, परिवर्जका रिनंसिएट जो अपना घूमते टहलते रहते थे, अपना विच्छामि देहि विच्छामि शरणम गच्छामि देहि युद्धम गच्छामि देहि बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सब करते थे, तो ये लोग आपका उनको परिवर्जका कहा जाता था, तो राइट आंसर 1 और 3 हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके,
ये सब सारी चीज़ें इसमें थी। इसको हम लोगों ने क्या किया, अच्छे तरीके से डिस्कस किया और ये जानने की कोशिश की कि जो जो अभी तक हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके थे इसको हमने अच्छे तरीके से देखा। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, अच्छे तरीके से लगा। इंसेंट हिस्ट्री का पूरा हम लोगों ने 25-26 साल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब हम आगे जो करेंगे आपके मेडाइवल मॉडर्न या अदर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जल्दी बैक टू बैक एग्जाम से पहले। ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी अदर्स एग्जाम्स के भी सारी चीज़ें आएंगी, तो ये आप एक बार अच्छे तरीके रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल में इस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर तरुण तिवारी के नाम से सर्च करके लिंक मैं दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम में इसका PDF निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। डाउनलोड करके आपको इसकी सारी चीज़ आपके पास रहेगी, जब चाहेंगे आप रिवीजन भी कर सकते हैं इसको, ठीक। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।